हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेचर विथ मी में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गुलाब के पौधे के बारे में। ये दोनों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, ये दोनों देसी गुलाब है जो बहुत ही कम केयर में ज़्यादा फूल देते हैं आपको। ये देसी है, और जो देसी नहीं होते उसमें ज़्यादा केयर लगती है, इन्हें केयर की ज़रूरत नहीं लगती है। सिर्फ आप अगर इसको टाइम पर पानी देंगे और थोड़ा बहुत खाद वगैरह दिया तो बहुत सारे आपको फूल मिलेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए अंत तक। और हम आज इस वीडियो में इसकी ब्लूमिंग और इसको जो हम जो खाद देने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो आखिर तक देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप किया तो आपको जो जानकारी हम देने वाले हैं वो आप मिस कर जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम गुड़ाई करेंगे। देखिए, हल्के हाथों से आपको गुड़ाई करना है ताकि जो रूट है उसके पौधे के वो डैमेज ना हो, वो अच्छे रहे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको करना है ताकि हम जो खाद देने वाले हैं इसे, तो इस वजह से हमें हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी मिट्टी को करना है गुड़ाई। देखिए दोस्तों, इसमें अपने आप पालक भी उगाया है, ये पालक का है। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये दूसरा हमारा, अच्छी हवा बह रही है इस वजह से देख सकते हैं आप पौधे कितने झूम रहे हैं खुशी से। अब हमारी गुड़ाई हो चुकी है तो अब हम इसमें खाद डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या खाद डालना है। ये मैंने लिया वर्मी कंपोस्ट 4 चम्मच बड़े, और ये मैग्नीशियम सल्फेट 2 चम्मच लिए है मैंने। ये DAP लिया है मैंने 1/2 चम्मच, और ये हल्दी लिए है ताकि अगर इस बारिश के दिनों में फंगीसाइड या दूसरे लग सकते हैं कीटाणु, तो उससे फंगीसाइड के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में हमें डालना है NPK 2020 2 चम्मच। ये देख सकते हैं आप NPK 2020 ये दो प्लांट के हिसाब से मैंने मेजर लिया है जो हम खाद डालने वाले हैं आज इसे, ताकि इससे ब्लूमिंग हमारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। वैसे तो इससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ये खाद जो मैंने आपको दिखाया है ये देंगे तो ये और ज़्यादा खिलेगा, क्योंकि जैसे हमें भी टॉनिक की ज़रूरत लगती है जब हम भी बीमार पड़ते हैं, उसी तरह से पौधों को भी टॉनिक दिया तो वो ज़्यादा पौधे हमें फूल देते हैं, इसलिए हमें ये देना ज़रूरी होता है और जो ब्लूमिंग है वो बढ़ जाती है। और देखिए कलर, देखिए आप इसका, जब आप इसका कलर देखते हैं तो दिल खुश हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हम ये ले ले। और इसकी देखिए कलियाँ भी, देखिए आप, ये एक कली है, यहाँ पे 3 कलियाँ दिख रही है आपको, देख सकते हैं आप, 4 है, मैं आपको दिखाता हूँ कलियाँ। ये देखिए हमारा दूसरा, ये फूल आ रहा है, और ये देखिए कलियाँ अभी, और देखिए ये कलियाँ भी आ रही है। हवा बहुत ही अच्छी बह रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत झूम रहे हैं पेड़, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए कलियाँ, देखिए कितनी आई है, अभी मैंने दिया है नहीं खाद, खाद देने के बाद इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए कितनी सारी कलियाँ आ रही है, देखिए तो अगर आप ये खाद देंगे जो मैंने बताया है तो आपके घर पे भी कुछ यही हाल होगा। आप फ्लावर तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होगे, तो इस तरह से ही आपको केयर करना है उसकी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें खाद डालते हैं।
ये मैंने जो बताया आपको, ये अभी अभी सब मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ये दो पौधों को डालने वाले हैं। ये टॉनिक की तरह ही काम करता है पौधों के लिए, तो ये डालना मत भूलिए। और इससे कोई साइड इफेक्ट भी होता नहीं है पौधों को, सब ऑर्गेनिक ही है। और ब्लूमिंग बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है हमारी पौधों की। तो चलिए दोस्तों, इसे पूरा मिक्स कीजिएगा, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे डाल लेंगे। देखिए, आपको ऐसे डालना है धीरे हाथों से, ऊपर ऊपर हर तरफ डालना है पौधे के, ताकि उसे इक्वल क्वांटिटी में खाद का मिले डोज। और इसे अब मिट्टी से ढक लेंगे, ताकि ये निकल ना जाए, आराम से मिट्टी में रहे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी। और एक चीज़ दोस्तों, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है, ताकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो हमने खाद दिया है वो बह जाएगा पूरा, जो हम ड्रेनेज के लिए नीचे होल करते हैं गमले के नीचे, तो उससे बह जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा पानी देना है आज, कल आप दे सकते हैं, लेकिन आज बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा पानी देना है। अब चलिए दोस्तों, हम इस दूसरे पौधे की भी गुड़ाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हल्के हाथों से करना है हमें। ये ग्रो बैग देखिए दोस्तों, ग्रो बैग में मैंने लगाया है। बहुत सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि प्लास्टिक में या ग्रो बैग में अगर आप लगाएंगे पौधे तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने भी ये ग्रो बैग में लगाया है जो प्लास्टिक की है, लेकिन फिर भी मेरा देखिए पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है इसकी। तो ये सब अपने अपने ख्याल रहते हैं, अगर हम अच्छे से केयर करेंगे पौधे की और सही समय पर उसके खाद देंगे तो वो हमें अच्छे से फ्लावर देता है, सब देता है। इसलिए आपको सिर्फ उसकी केयर करना है, जैसे हम हमारी बॉडी को भी ज़रूरत पड़ती है केयर की, सही न्यूट्रिशन अगर सही टाइम पे मिले तो हम भी जैसे स्वस्थ रहते हैं, उसी तरह आपको भी इसे करना है। अभी हमने गुड़ाई कर ली है, इसमें हम काट डालेंगे फिर से। हमने डाल लिया है खाद अच्छे तरीके से, और इसे हम माटी से अभी ढक रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताया था, देखिए बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। देखिए हवा बहुत ही अच्छी आ रही है, झूम रहे हैं पौधे सारे। और देखिए इसकी कली जब आती है, देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था, बहुत ही हल्का पानी डालना है हमें कम, ताकि ये बने रहे और जो हमने खाद डाला है वो पौधे को मिल सके, उसमें से न्यूट्रिएंट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है इसलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ऐसी बढ़िया जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेगा, तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिएगा। तब तक मिलते हैं अपना हमारे नए वीडियो में। बाय बाय।